ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में जो मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी गाइस, आप सभी को जो है मैं एकदम कलर टोन जो है दोनों मॉडल के मैच करने के लिए भी बताऊंगा, जो कि हम पिक्सआर्ट में नहीं कर पाएंगे वो हम लाइटरूम ऐप में कर पाएंगे। तो आपको जो है दोनों स्टेप देखना है, ठीक है? यहाँ पे तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। बाकी आपको वीडियो में साथ के साथ समझाता भी रहूंगा, तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया आप सभी को। तो आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में। जाने के बाद गाइस, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को, एंड यहाँ से जो हम मॉडल को ऐड करेंगे, एंड बाकी जो मॉडल का जो कटआउट है मैंने पहले से कर रखा है, क्योंकि गाइस अगर हम आपको वीडियो में दिखाते तो गाइस वीडियो जो हमारी 10 से 15 मिनट की पहुँच जाती, सो मैंने सोचा कि पहले ही रेस करके रख लेते हैं। बाकी जिनको नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गाइस, ठीक है? आप लोग वहाँ पे वीडियो को देख के आप जो एडिट करना मतलब बैकग्राउंड रेस करना सीख सकते हो। बाकी आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? तो बाकी यहाँ पे जो है मेरे को कुछ एडजस्टमेंट करनी है अपने मॉडल के अंदर, जैसे कि मतलब आपको दिख रहा होगा मॉडल में जो है मतलब एकदम कितना डार्क हो रखा है। तो अभी हम इसका जो शेडो को बढ़ाते हैं, तो एडजस्ट में जाएंगे एंड शेडो वाला ऑप्शन में जाएंगे, इसको शेडो को जो है हम इंक्रीज कर देंगे। सो यहाँ पे परफेक्ट है, ऐसे ही आपसे भी को भी करना है। देन उसके बाद आपको ये करना है, आपको जो यहाँ पे ज़्यादा कुछ सब चेंजेस नहीं करना है इसमें, ठीक है? तो बाकी जो है टेम्परेचर वगैरह तो ठीक ही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सैचुरेशन देख लेते हैं। बाकी सैचुरेशन भी इतना ठीक ही है, बाकी सैचुरेशन मेरे को लगता नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है, बाकी इतना परफेक्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम जो मतलब कि इसमें चेंजेस करेंगे, जैसे कि मतलब कि यहाँ पे हम जो मतलब अब पिक्सआर्ट में कुछ भी नहीं करना है हमें, ठीक है? अभी यहाँ पर डन कर लेते हैं, बाकी इसको लेके चलते हैं हम लाइटरूम ऐप में। सो जल्दी से हम इसको सेव कर लेते हैं, बाकी लेके चलते हैं इसे लाइटरूम ऐप में, फिर वहाँ पे करेंगे रिटच, एकदम रियलिस्टिक बनाएंगे। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं और बाकी हम यहाँ पर ओपन करते हैं लाइटरूम ऐप। तो बाकी हमने फोटो को जहाँ पे ऐड कर लिया है, अब क्या करेंगे, हम जाएंगे स्लाइड वाला ऑप्शन में। पहले इसका हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे एंड जो हाईलाइट है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, एंड जो शेडो है इसको थोड़ा सा हम कम करेंगे, एंड जो ब्लैक्स हैं इसको हम शायद इसको रहने देते हैं ऐसे, ठीक है? ब्लैक्स का हमें कुछ काम नहीं है। बाकी कलर्स में चलते हैं, कलर्स में जाकर वाइब्रेशन बढ़ा देंगे एंड उसके बाद चलेंगे मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर लेंगे, इसका जो ल्यूमिनस हम इसको बढ़ाएंगे पहले, ठीक है? येलो कलर लेंगे, इसका ह्यू माइनस करेंगे, एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे हम डार्क ब्लू। डार्क ब्लू को लेने के बाद हम इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे एंड उसके बाद कर देंगे यहाँ से डन, ठीक है? फिर उसके बाद जाएंगे कलर ग्रेडिंग वाले टूल में एंड उसके बाद हम इसका जो है यहाँ पे शेडो को ओपन करेंगे। देन उसके बाद हम इसका सैचुरेशन बढ़ाएंगे एंड उसके बाद इसको रखेंगे येलो टोन में, ठीक है? फिर उसके बाद हम ऐसे चलेंगे मिड टोन में। मिड टोन में जाने के बाद हम इसका सैचुरेशन बढ़ाएंगे एंड इसको रखेंगे येलो टोन में, ठीक है? बाकी हम चलेंगे ऐसे हाईलाइट में। हाईलाइट में जाने के बाद इसको भी ब्लू येलो में रखेंगे एंड इसको भी हम सैचुरेशन बढ़ा देंगे। बाकी आप देख सकते हो दोनों मॉडल जो एकदम मैच हो चुके हैं। बाकी हम डन करते हैं, अब यहाँ से चलते हैं नीचे वाले टूल में। फिर यहाँ पे क्लियरिटी इंक्रीज करेंगे फोटो की एंड जो फोटो में विग्नेट डालेंगे थोड़ा सा, एंड उसके बाद जो क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है हम फीदर को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है? बाकी जाएंगे नीचे वाला टूल में, फोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे, नोड रिडक्शन बढ़ा देंगे, कलर नोड रिडक्शन को भी बढ़ा देंगे। तो फाइनली हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद होता है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।